नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूडी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि जो सीयूडी यूजी है वो अपना एग्जाम डे बाय डे तीन शिफ्ट में करा रहा है। ऐसे में अभी जो बच्चे एग्जाम नहीं दे सके हैं उनका एडमिट कार्ड और उनका डेट आ चुका है। आपको डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 29, 30, 31, 1, 2 जून तक का जो एग्जाम है वो शेड्यूल हो चुका है। आप लोग जाइए और अपना जो आगे का प्रोसेस है वो पूरा करें। क्या आपको अपना एडमिट कार्ड, अपना सिटी, ये सब चेक करना है। और फाइनली जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि सर अभी मेरे कुछ सब्जेक्ट्स बाकी हैं, वो क्या करें, वो डे टू डे इवनिंग में अपना सेम प्रोसेस के थ्रू एडमिट कार्ड चेक करते रहे, उनका एडमिट कार्ड अपडेट होता रहेगा। उसी के आगे आपका देखोगे दूसरा डेट दिया जाएगा, दूसरा सेंटर दिया जाएगा या जो भी सेंटर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे जाके अपना आप एग्जाम दे लोगे। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म डाला और एक बार में गए एग्जाम देके आ गए। अभी ये लोग आपके एग्जाम को कई डेज में कंडक्ट करा रहे हैं, क्योंकि कोर्सेज बहुत ज्यादा है और यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है, सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। हर किसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए इन्होंने एग्जाम को बहुत लंबे समय तक खींच दिया है। अब एग्जाम जो कि बस 31 तक होने वाला था वो जून तक चला गया है और आगे भी जाने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ सेंटर्स जो हैं वो किसी कारण से कैंसिल कुछ स्टेट में देखने को मिला है। तो आप प्लीज अवेयर रहें और डे बाय डे अपने एडमिट कार्ड चेक करते रहें। तब तक चेक करना है जब तक आपका जितने भी रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं जो आपने एप्लीकेशन में डाला था स्टार्टिंग में वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, पूरे एग्जाम देने के बाद ही आप आराम से बैठें, डेली अपना एडमिट कार्ड जरूर चेक करते रहें। मैंने आपको सुबह में एक वीडियो दिया था, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड ऑफ द वीडियो में भी है कि आफ्टर एग्जाम क्या करना है। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। इवन मैंने ये भी बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जाके बनवा लेना है, स्कूल से निकलवा लेना है, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आते ही आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देंगी। और ऐसे में आपका डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने में टाइम लगता है, मैंने बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में टाइम लगता है। आप वो डॉक्यूमेंट को बनवाएं और अपनी काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए आप अभी से सोचना शुरू कर दें। अवेयर है 2 महीने के लिए, आप समझ लो कि यही आपका वेब सीरीज है, यही आपका सब कुछ है, मूवी है, कार्टून, जो भी आप समझते हो, जो आपका पसंदीदा सीरियल है वही है। और आप ये सोच के वीडियोज को देखिए जिससे आपका मनचाहा विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का सपना पूरा हो सके। मुस्कुराते रहे, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज्यादा लाभप्रद रहा होगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। प्रोसेस पता है डाउनलोड करने का एडमिट कार्ड, ठीक है, आप आराम से यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है cut.ac.in, ठीक है, और अपडेटेड रहे और चैनल पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर प्रेस करना है, आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होने पाएगा। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं।